sponsor, please. हमेशा बातें करता है अमीर और गरीब की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो बातें करता है। अरे भैया, मुझे तो बहुत खुशी हो रही कि सैमसन भाई, हमारे सैमसन मुकेश, इन्होंने गाना गाया, आप लोगों को अच्छा लगा और बड़ी मेहनत थी इसके पीछे, इनका हैदराबाद से आना जाना जो भी है। और फैमिली वाले भी बोल रहे थे आप बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। आप लेडीज एंड जेंटलमैन, खूबसूरत सा सॉन्ग आप देखने वाले हैं अल्ट्रा पे, करीब करीब, प्रोड्यूस बाय वन ओनली सैमसन मुकेश। एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस मोर टाइम, प्रोड्यूस बाय सैमसन मुकेश सर, वीडियो डायरेक्टेड बाय अमान खान, लिरिक्स एंड महेंद्र टिटोरिया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप बहुत जल्द ही इसे अल्ट्रा पे देख सकते हैं करीब करीब। प्लीज इस सॉन्ग को किसी बात की देर नहीं की, ये एल्बम जो है बहुत जल्दी अल्ट्रा पे आप लोग देखेंगे। और साथ ही साथ बहुत नहीं पूरे ऑलमोस्ट बंद हो गए थे, फिल्मी म्यूजिक ज़्यादा चल रहा था और वापस वो दौर आया है जहाँ पे सिंगल्स आजकल निकल रहे हैं, सिंगल्स म्यूजिक वीडियो। तो हम जब से ये सिंगल्स बनना शुरू हुआ है हम तब से वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, साथ ही साथ फिल्म के म्यूजिक को भी कर रहे हैं प्रमोट। अभी भी अल्ट्रा उतनी ही सक्रिय है जितनी पहले थी, बल्कि वाकई में ये गाना देख के ऐसा लगने लगा करीब करीब होना ही चाहिए। जो दूरियां थी लोगों में, इस गाने को देख के ऐसा लगेगा कि वाकई में हमें करीब होना चाहिए। मैंने बहुत समय के बाद में इतना प्यारा गाना देखा है जिसमें सिर्फ डांस नहीं था, इमोशंस भी दिख रहे थे, एक्सप्रेशंस भी दिख रहे थे, फीलिंग्स भी थी जो एक सॉन्ग के जरिए लोगों तक पहुंच रही थी। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग और लिरिक्स भी बहुत प्यारे हैं, शूट भी बहुत अच्छे से किया है एंड आर्टिस्ट लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। तो मेरी तरफ से तो उनको ऑल द बेस्ट और अल्ट्रा म्यूजिक के लिए भी बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने इतना प्यारा मौका दिया है। तो प्लीज़ अगर सच्चाई मुझसे पूछो तो मतलब कई एल्बम मैंने रिलीज़ किए हैं, कई बातें हम लोग बोलते भी हैं कि गाना ये अच्छा है थोड़ा ये करो, मगर ये फर्स्ट टाइम मतलब एक जो गाना रोमांटिक भी है सैड भी है उसके बाद में हैप्पीनेस, तो ये अपने आप में बहुत ही नए कंसेप्ट रहा इन लोगों का और मुझे उम्मीद है कि इस साल ये गाना चलना चाहिए। बस इसका प्रमोशन अगर सही हो जाता है तो ये गाना शॉर्ट शॉर्ट है, क्योंकि लड़का लड़की ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं मुकेश जी, सैमसन मुकेश जी, उन्होंने गाया भी अच्छा है और बाकी आप लोग हो चैनल वाले जितना इसको प्रमोट करोगे उतना ये हिट रहेगा। शबाना जी और राजू जी के थ्रू मुझे मिला है क्योंकि मैं गुजरात में भी बहुत सारा काम करती हूँ, तो वो गुजरात में आते थे अपना करने के लिए कोरियोग्राफी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा था और उनको इससे पहले भी उन्होंने एक हिंदी एल्बम किया था तो उसमें भी मुझे लिया था, तो उनको मैं बहुत उनके बहुत करीब करीब हूँ तो उन्होंने मुझे ले लिया इसमें भी। अच्छा, आपके आने से पहले अंगूर खाने की बात, अंगूर खटाए हैं जो आप अंगूर की जो बात कर रहे हैं, अंगूर खाने वाले जो सीन की, वो हमने दो टेक में ही किए थे क्योंकि वो बहुत शर्मा रहे थे मेरे लिए, मतलब मैंने किया है काम बट ये वाला जो था सीन, ये जो करना था, वो जो फील लाना था ना वो आ नहीं रहा था, तो मैम ने बहुत सारा डांटा, बहुत प्यार से भी समझाया, तब जाके हुआ है। तो हमने मस्ती भी बहुत की और डांट भी बहुत खाई है। इन्होंने ये एल्बम बनाए हैं करीब करीब और करीब, और बेहतरीन गाना गाया है उन्होंने और यंग लड़कों पे दोनों गाने फिल्माए गए हैं और वो बहुत अच्छा पिक्चराइज किया है। शबाना मैडम ने उसको कोरियोग्राफ किया, अमान और शबाना आजमी ने बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ किया और उन पे इनका इनकी आवाज़ सूट करना बड़ी बात है।
और ये इनका हमारा संबंध 40 साल से है। हम लोग हैदराबाद में बड़े मशहूर हैं, हमारे श्यामसुंदर भाई मुकेश जी के गाने गाते हैं वहाँ, सालों से बड़ा इनके बड़े शोज होते हैं वहाँ पे। मैं 79-80 से इनका शो करते आ रहा हूँ और वहाँ से हमारी दोस्ती मोहब्बत है। तो अचानक इनको लगा कि मैं एल्बम बनाऊँ और वो भी अपनी आवाज़ में, नॉट मुकेश, सैमसन, और ये गाना गाया। और वाकई मुकेश सैमसन भाई आपने बहुत अच्छा गाना गाया और बहुत अच्छा पिक्चर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग ज़रूर पसंद करेंगे। देखो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ को लोग ज़रूर पसंद करेंगे। और आपने दिल से गाया और आपने कंपोज किया, कितने जुड़ो आपने कंपोज किया, अपनी मेहनत से कंपोज करके, लिखवा के, गा करके, जो रिकॉर्ड करके, जो और पिक्चराइज करने के लिए हैदराबाद से यहाँ तक आया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको कब ये मन में आया, कैसा लगा इतने सालों बाद में कि मुझे ऐसा करना है? या रोमांटिक सॉन्ग है ना, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बट व्हेन कभी इतना अच्छा सुनने आता था कि मैं भी मेरे आवाज से रोमांटिक गाना बनाऊं, मैं भी मेरे आवाज से एक रोमांटिक। सो इत्तेफाकन जो एक गाना मुझे मिला है, देन मैं भाई को सुनाया, फिर फैसेट सुनाते, सैमसन गो अहेड, इट्स ब्यूटीफुल, ऑल ही इज माय गाइड। सो I never wanted to become a second hand singer, but with this song I've become a first singer. ये बड़ी अचीवमेंट है मेरा लाइफ टाइम। एक लाइन हो जाए ना भाई, करीब करीब, हाँ एक लाइन। करीब करीब और करीब आ रहा हूँ मैं, करीब करीब और करीब आ रहा हूँ मैं, आहा। अब चांद उठे या ना उठे, ये फूल खिले या ना खिले, ये हमको परवाह नहीं है। अब चांद उठे या ना उठे, ये फूल खिले या ना खिले, ये हमको परवाह नहीं है। करीब करीब और करीब आ रहा हूँ मैं, आहा। क्या बात है करीब। सर आपने एक्टिंग भी कर ली सर जी? हाँ हाँ, मुझे बताएंगे सर एक्टिंग भी कर ली सर आपने, कैसे एक्टिंग क्या गाया है उन्होंने? हाँ गाया भी। यू शुड एक्ट लाइक एन एक्टर, किताब पकड़ के गा रहे, क्या खूब लगती है, बड़ी सुंदर दिखती है, माना नहीं? नहीं नहीं, ये गाने का जो पिक्चराइज किया ना, उसमें कह रहे हैं कि आप भी थे ना, ये आपने भी लिप मोमेंट जो गाना गाया। जी जी जी। तो कैसा लगा आपको, कैसे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनी एक्टर एनी सिंगर, एक्सप्रेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि गाते ही लोगों का दिलों के घुस जाना। देन दैट्स वाई एवरीबडी लाइक इट, राइट फ्रॉम 18 ईयर्स बॉय और 16 ईयर्स बॉय से लेकर, और शबाना खान का बेटा है, दिस इज़ ओनली 4-5 ईयर्स, डेली ये गाना सुनता था डेली, पापा कोरियोग्राफर हाँ डेली, तो लोग उधर उधर जाते सकते दे यालो से पापा। ये कैची सॉन्ग है, कैची सॉन्ग है, लोगों को भी अच्छा लगेगा। इट्स वेरी वेरी कैची सॉन्ग, आई होप यू ऑल टेक अस विद जॉनी भाई, जब बाजू है तो क्या नहीं हो सकता। अमानत जो लोगों के लोगों तक पहुँचाऊँ, तो ये गीत आप लोगों के लिए गाया है, जो लोग सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इस गीत को आप सुनें और इन्जॉय करें और आशीर्वाद दें, इनको ब्लेस करें, वी नीड योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू वेरी मच।